हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास स्मार्ट टीवी में जब भी आप स्मार्ट टीवी फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो डेट एंड टाइम जो है ऑटोमेटिक चेंज होती है, तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आप जो है सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार नेटवर्क को फॉरगेट कर देना है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर फॉरगेट के ऊपर क्लिक कीजिए, नेटवर्क फॉरगेट हो जाएगा। फिर से आपको इसको रिकनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको, अगर आपको यहाँ पर टीवी को अभी फॉर्मेट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस के ऊपर जाकर जो है आप यहाँ पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से फ़िलहाल के लिए डेट एंड टाइम को जो है मैनुअली सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसको ऑफ़ कीजिए। उसके बाद आप यहां पर से डेट एंड टाइम जो है मैन्युअली सेट कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर सेट कर आप जो है स्मार्ट टीवी का इंटरनेट जो है यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है, यहां पर आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहां पर आप देख सकते हैं रिसेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप रिसेट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेट करने के बाद आपने जो भी जीमेल से लॉगिन किया था, साइन इन किया था, वो यहाँ पर सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल थर्ड पार्टी ऐप्स भी यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज एवरीथिंग पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीवी जो है यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट हो गई है। तो अभी यहाँ पर स्मार्ट टीवी ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप वेट कीजिए यह प्रोसेस कम्प्लीट होने तक। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर लैंग्वेज करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप इसको रॉन्ग सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी, आपके पास डेट एंड टाइम जो है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रीजन है वो आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये बाई मिस्टेकली दूसरा सेलेक्ट हो गया है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप यहां पर अपने हिसाब से जो है रीजन करेक्ट सेलेक्ट कीजिए यहां पर। तो मैं यहां पर इसको इंडिया ही सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं क्विक सेटअप योर टीवी, तो यहां पर मैं इसको इस ऑप्शन को स्किप कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो अभी इस वाले ऑप्शन को फ़िलहाल स्किप कर लेते हैं, स्किप पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर लोकेशन है तो मैं इसको जो है यहाँ पर नो करता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पर इसको जो है इसको भी यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ पर सेटअप करना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको स्वाइप करना है साइड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं स्मार्ट टीवी यहां पर रेडी हो गई है। उसके बाद आप जो है यहां पर वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर से जो है वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है यहां पर डेट एंड टाइम जो है ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, तो अभी आपको यहाँ पर जाकर बताऊँगा। तो ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है अभी करेक्ट बता रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी गाइस, आपको जो है यहाँ पर स्मार्ट टीवी को रीस्टार्ट कर बताने वाला हूँ, डेट एंड टाइम यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको जो है रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मार्ट टीवी यहाँ पर ऑन हो गई है। आपको यहाँ पर अभी सेटिंग में जाकर बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिवाइस प्रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डेट जो है चेंज नहीं हो गई है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास भी यहाँ पर स्मार्ट टीवी में ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन इस तरीके से आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।